हेलो दोस्तों, सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और मेरे चैनल की ओर से और मेरी ओर से नव वर्ष 2022 की तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। नया वर्ष सभी लोग का अच्छा हो, यही मेरी कामना है। और 2021 खत्म हो चुका है, 2022 प्रारंभ हो गया है। आज नव वर्ष की बेला में कई लोग भगवान के दर्शन करने दूर दूर जाते हैं, और जो दूर नहीं जा सकते हैं, पास में मंदिर है, भगवान से पूजा अर्चना करें और नए वर्ष में कुछ अच्छा होने की मांग करें, ताकि अपने यहाँ ये जो बार बार कोरोना लग जाता है या कई प्रकार की बाधाएं आ जाती हैं, ये ना आने पाए। तो मेरा यही कहना है सभी प्रदेशवासियों से कि नव वर्ष पर मंदिर जाएं, पूजा करें, अर्चना करें और भगवान से प्रार्थना करें कि किसी प्रकार से कोरोना या किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए इस नए 2022 वर्ष में। और ये वर्ष सभी लोग का बहुत अच्छा हो। भगवान भोलेनाथ से और समस्त देवी देवताओं से मेरा यही एक अनुरोध है कि किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो, और परमपिता परमात्मा से मेरी यही कामना है कि सभी लोग स्वस्थ रहें, खुशी रहें और किसी न किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। तो इस नववर्ष पर भगवान भोलेनाथ सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। मेरी यही एक मंगल कामना है कि भगवान भोलेनाथ सभी भक्तों पर और सभी को कुशल मंगल रखें, और किसी प्रकार से किसी को कोई परेशानी ना हो। और इस वर्ष पर सभी लोग अच्छा बनाए खाएं और स्वस्थ रहें। और आज नववर्ष एक पर्व के रूप में मनाया जाता है हमारे यहाँ भारत देश में। तो इस पर्व पर सभी लोग मनोरंजन करें और हंसी खुशी से अपना दिन व्यतीत करें, ताकि अग्रिम किसी प्रकार की कोई दिक्कतें ना हो किसी दिन, और आज सभी लोग का दिन अच्छा गुजरे, मेरी यही कामना है। आज के दिन जो ये नववर्ष का पहला दिन होता है बहुत शुभ होता है, इसलिए आज कोई किसी प्रकार से घर में लड़ाई न करे, ना किसी से लड़ाई करे, ना किसी प्रकार से विवाद करे, क्योंकि नव वर्ष बहुत भाग्य से देखने को मिलता है। और इस नव वर्ष की बेला में मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी लोग एक हौसला बना करके जिए और इस नए वर्ष में कुछ अच्छा करने को सोचे, ताकि हमारे घर की तरक्की हो, प्रदेश की तरक्की हो, देश की तरक्की हो। इसीलिए मेरी यही एक चाहत है कि सभी लोग विवाद से बचें और पूजा करें और किसी प्रकार से घूमने जाएं, और पिकनिक वगैरह पर लोग जाते हैं आज के दिन, तो बढ़िया दिन व्यतीत करें। बस मेरा यही कहना है कि सभी लोग अच्छे से जिए, ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है, और मिली है तो उसको अच्छे से गुजारें और दर्शन करें भगवान के, और बढ़िया घूमें, टहलें, मौज करें। और बस मेरे चैनल की तरफ से यह एक आज नव वर्ष के रूप में कहना है। और अगर सभी लोगों को भाई अच्छा लगेगा जो मैंने बताया है, तो उसको आगे बढ़ाइएगा। धन्यवाद।